हमजा से मेरी शादी होने वाली थी। मैंने सोचा मेरा शौहर है, दिल ही दिल में उन्हें इज्जत देने की, उनसे प्यार करने की सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं। वरना मोहब्बत एक एहसास का नाम है, मुझे हमजा के लिए कभी महसूस नहीं हुआ। और मेरे लिए पता नहीं, अगर इंसान किसी के लिए कुछ फील करे तो उसे कह देना चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी मुझे दिल से कबूल नहीं करेगी। तो फिर ठीक है, अगर वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो इस ताल्लुक को खत्म कर देते हैं। जबरदस्ती के रिश्ते को कब तक बांध कर रखेंगे आखिर? वो तो मुझसे इतनी लापरवाह है कि उसे ये भी नहीं पता आज मेरा बर्थडे है। क्या हो गया मुझे? क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं बस इतना जानता हूँ वीर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ज़ुल्फ़िकार, मुझे लगता है कि सैंपल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कुछ और कलर ऐड करने पड़ेंगे। बिकॉज यू नो, जो कमरा इस ऑफिस में आपने मुझे दिया है, कभी जाकर खुद देखा है आपने? हाँ सर, आई एम इन इम्पोर्टेंट मीटिंग। ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं आपको थोड़ी देर में बुलवाता हूं। हमजा, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलने मत आया करें। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? मैं नहीं जानता कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं।
मैं आपके ऑफिस का कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, दामाद हूं आपका। आपका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। ओह आई सी मिस्टर दामाद, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस ऑफिस में मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसमें आपकी भी बेइज्जती है। लोग क्या कहेंगे, नसीर अहमद का दामाद है और उसकी ये हैसियत है इस ऑफिस में। गुड गुड, अच्छा है कि आपने अपनी हैसियत का जिक्र जो है वो खुद ही छेड़ दिया। यू आर नॉट माई चॉइस, आप मेरी बेटी अमल की चॉइस थी, वो आपसे शादी करना चाहती थी। सो ओके, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी, क्या करूं मैं आपके? इस ऑफिस में जो भी कमरा आपको मिला है उसे गनीमत जानिए। अगर पसंद नहीं आता तो टेक योर मनी एंड लीव माय ऑफिस। अब जाइए यहां से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मेरा वक्त तो बहुत कीमती है आपका बताने के लिए। लीव, लीव। यस सर। And send Mr. Zulfikar again. Yes, sir. आपसे किसने कहा कि वो मेरे करीब आना चाहते हैं और मैंने उन्हें रोक दिया? हमसे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन कल जब वो आए थे ना तो उनके हाथ में मोतिये के गजरे थे। उन्होंने दिखाए तो नहीं हमें, लेकिन हम भांप गए थे। अब वो आपके लिए नहीं लाए थे तो किसके लिए लाए थे? गजरे? लेकिन उन्होंने मुझे कोई गजरे नहीं दिए नानो। तो फिर किसको दे दिए? अगर हनान मेरे लिए गजरे लाए थे तो उन्होंने मुझे दिए क्यों नहीं? मेरा रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं, लेकिन वो सारा, क्या वो सारा को भूल गए हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता हूँ तो इतनी आसानी से उसे भूल कैसे सकता है? लेकिन अब तो वो हनान की जिंदगी से जा चुकी है ना। नानू कहती है कि हनान की जिंदगी में अब सिर्फ मैं हूँ और निकाह में बड़ी ताकत होती है। मैं क्यों हनान से मोहब्बत करने के बावजूद भी इकरार नहीं कर पा रही? क्यों? इसका मतलब क्या मुझे वाकई हनान से मोहब्बत हो गई है?